और बहुत बढ़िया वहाँ पे लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके अगर आप देखें घर के ऊपर चढ़ाई कर दी, बिल्कुल यहाँ पे ओरेंगुटान काउंटर अटैक के लिए तैयार है। और सिंटोनिया भी एलिमिनेट हो चुकी है, माफिया ने संपूर्ण तरीके से उनको बाहर की तरफ का रास्ता दिखाया है। और ये देखिए मिस्टर जय वाई टी बेरहम ओरेंगुटान इन लीड अगेंस्ट दी फोर एंड, यहाँ पे ताबड़तोड़ हमले चलते हुए एक बार फिर से डैमेज, एक बार फिर से नॉक, और जय वाई टी एक और नॉक को नॉक किया, मिस्टर जय वाई टी ने फिनिश करा एक बार फिर से। यहाँ पे तीन खिलाड़ी एलिमिनेट, मैंने पहले ही कहा था ओरेंगुटान की लीड इज रूथलेस, और वहाँ पे एक बार फिर से वहाँ पे ओरेंगुटान को एक्स्ट्रा किल्स मिले, उन्होंने शायद फैब इंद्रो को एलिमिनेट करा। और बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखें रेकनिंग टी स्पोर्ट्स है जिनके खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार है साइड गेमर्स, लेकिन ओरेंगुटान की बाबू देखने का समय आ चुका है। ओरेंगुटान यहाँ पे शायद दो टीमों से डील कर रही है, और हो सकता है एक आधा प्लेयर शायद पैटर्न प्लेयर्स का है एंड बाकी प्लेयर्स जो हैं पीवीएस गेम के उनके खुद के ऊपर हमला करना। क्षमा चाहूँगा जो दो प्लेयर्स हैं वो है फोरेंट ओरेंगुटान एलीट पीवीएस गेम के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हुए। सिद्धार्थ ने वहाँ पे एपी को नॉक करा है, और रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर अगर आप देखें जलजले की तरह टूटी है द टीम ऑफ पीएसजी, और ओरेंगुटान आड़े हाथों लेते हुए वहाँ पे बाकी टीमों को, यहाँ पे अगर आप देखें लेजेंड एक बार फिर से अपना काम करते हुए रेकनिंग ई स्पोर्ट्स को एक ही झटके में एलिमिनेट कर दिया टीएसजी ने। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स को टू साइड गेमर्स ने एक ही झटके में एलिमिनेट कर दिया है। माय गॉड, टू साइड गेमर्स इज अनबिलीवेबल। और यहाँ पे अगर आप देखें नेट डाली जा रही है कोशिश करते हुए मुकाबले में कुछ स्पेशल उठाए जाए, अगर गलती नहीं होती मुझे ऐसा लगता है टू साइड गेमर्स को ये मुकाबला भूया करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई रियली फील कि टू साइड गेमर्स को ये मुकाबला भूया करना चाहिए, और देखते हैं किस तरीके से बात बन पाती है। कर दिया अपना काम और एक उठान की लीड भी इस मुकाबले को जीत सकती है। ऑलरेडी टीएसजी से गुया छीन चुकी है, लेकिन यहाँ पे टीएसजी के प्लेयर्स कहीं ना कहीं मात देना चाहते, सात एलिमिनेशन अकेले सिद्धार्थ के। जी हाँ गाइस, अ गाय जो ईस्पोर्ट्स की दुनिया में शायद सबसे लो एंड डिवाइस में खेलते हैं, उसके बावजूद भी आप अगर उनका प्रदर्शन देखें तो कमाल। लेजेंड की ओर से थ्रो करी गई है नेट, टू साइड गेमर्स अगर आप देखें ताबड़तोड़ फाइट चलते हुए, और यहाँ पे ओल्ड मॉक को नॉक किया है लेजेंड भी, लेकिन वहाँ पे डाउन हुए हैं और बैकअप चाहिए। सिद्धार्थ वहाँ पे नेट करते हुए सटीक नेट वहाँ पे प्रेशर में लाएगा, नहीं यहाँ पे ओरेंगुटान काफी मजबूत, ओरेंगुटान काफी मजबूत गॉडविन के पीछे पड़ गए हैं। सिद्धार्थ बहुत ज्यादा पावरफुल है, ओजी ने वहाँ पे कहने के काउंटर अटैक किया, ओरेंगुटान एक और बुया टीएसी, ओरेंगुटान टीएसी से एक और बुया छीनेगी अनस्टॉपेबल रेकनिंग फोर्स ऑफ द ओरेंगुटान। सिद्धार्थ भी गए, ओ भाई यहाँ पे मुझे लगता है बैक टू बैक हुआ, यहाँ पे ओरेंगुटान लीड लगाएगी और टीएसजी के हाथ से एक बार फिर से हुआ फैसला, टीएसजी के हाथ से एक बार फिर से यहाँ पे ओरेंगुटान लीड ने हुआ छीन लिया। अगर आप देखें और वहाँ पे अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर साबा बोल दिया गया है, नो चांस इन हेल। ओरेंगुटान की लीड वंस अगेन डन इन द हुआ, और गाइस एक बार फिर से नारा चांस जरूर लगेगा, हो 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 और जी का एक बार फिर से एक परफॉर्मेंस दिया, आज के दिन का दूसरा पुया कमाया यहाँ पे।